महापौर को ब्लैकमेल करने वालों को मरुधर बुलेटिन ने किया बेनकाब। पहले लिया चेक, फिर नहीं आया रास। महापौर बोली, पुलिस पत्रकार और वकील है, मेरे लिए सम्माननीय। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन। मैं दीपिका जांगिड़ आपके साथ। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मानसरोवर जोन में स्थित मानसरोवर पार्क में करंट फैल जाने से एक 17 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद लगातार सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। मौत के बाद महापौर शील धाभाई तुरंत एक्शन मोड में दिखी और कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर कर्मचारियों को तुरंत सस्पेंड किया। साथ ही परिवार के साथ संवेदना भी दिखाई। कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करते समय 2 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई और उस चेक को परिवार को दे दिया, क्योंकि परिवार की आर्थिक हालात दयनीय थी, जो जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर से देखी नहीं गई। महापौर शील धाभाई पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और विधायक अशोक लाहौटी, उप महापौर पुनीत कर्नावत की मौजूदगी में परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक सरकारी नौकरी और डेयरी बूथ का ऐलान कर दिया। परिवार ने सहायता लेने के बाद महापौर का आभार व्यक्त किया, लेकिन इसके बाद सियासत शुरू हो गई। जयप्रकाश नाम के व्यक्ति ने महापौर शील धाभाई को उनका रिश्तेदार बनकर फोन किया और फोन पर बातें करने लगा। तभी महापौर ने कहा कि मेरी संवेदना परिवार के साथ है, परिवार की हालत दयनीय है, इस कारण जो भी मदद होगी नगर निगम उन्हें देगा। पुलिस पत्रकार और वकील के पास ना जाए तो अच्छा है, ऐसा कहना उन्हें किसी की संवेदना को ठेस पहुँचाना नहीं था, अपितु किसी की मानवता का हरण करना भी नहीं था, लेकिन परिवार के प्रति दया का भाव जरूर था। तभी जयप्रकाश ने उस रिकॉर्डिंग को वायरल कर दिया। आपको बता दें कि जयप्रकाश के खिलाफ जयपुर नगर निगम की मानसरोवर जोन की जोन उपायुक्त आभा बेनीवाल ने पहले भी शिप्रापत थाने में मामला दर्ज करवा रखा है। मामले में फल सब्जी के ठेला कर्मियों को ब्लैकमेल करने का मामला है। इस संबंध में मरुधर बुलेटिन की टीम ने महापौर से बात की तो सामने आया कि महापौर को ब्लैकमेल करने की साजिश थी, जिसको हमने बेनकाब कर दिया। आप जो ये लेटर देख रहे हैं, इस लेटर में पहले भी जयप्रकाश पर ब्लैकमेलिंग के आरोप लग चुके हैं। इसी के साथ ही आपको बताते हैं मरुधर बुलेटिन की इस पूरी साजिश को लेकर खास मुलाकात शील धाभाई से। नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। लगातार राजस्थान में एक के बाद एक सियासी भूचाल आपको दिखाई देते हैं, लेकिन आज मैं हूँ जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर शील धाभाई के पास, जहाँ लगातार एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो पर अब ब्लैकमेलिंग के आरोप लगने लगे हैं। जो ऑडियो वायरल करा है उसने पहले किस तरीके से महापौर से बात की थी और अब वो किस रूप में आ चुका है। वीडियो में, ऑडियो में ये दिखाया जा रहा है कि शील धाभाई महापौर जो है वो जो मानसरोवर पार्क में करंट लगने से एक 17 वर्ष के बच्चे की मौत हुई थी, उसके परिजनों से बात कर रही हैं। परिजनों से ये कह रही हैं कि आप वकील के, पुलिस के और पत्रकारों के पास नहीं जाए, जबकि वीडियो की सच्चाई का दावा मरुधर बुलेटिन नहीं करता है। क्या हकीकत है, इसी को लेकर महापौर के पास मरुधर बुलेटिन की टीम पहुंच चुकी है, क्योंकि महापौर पहले भी कह चुकी है कि मेरा कभी भी किसी व्यक्ति को पर्सनल टारगेट करना कोई कार्य नहीं है और ऐसी मेरी कोई मंशा भी नहीं है। आपका एक ऑडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यह कहा गया है कि पुलिस, वकील और पत्रकारों से आप दूर रहें। नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे उसने मैंने एक परिवार के नाते जिस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया था वो बोल रहा था कि मैं परिवार का व्यक्ति हूँ, आप मुझे बताइए कि ये कब तक आप देंगी, और पत्रकार हम पर ये दबाव बना रहे हैं कि आप मांगिए, मतलब कब तक देंगी, टाइम बताइए, ये करिए वो करिए। इस तरह से उसने करा था। तो बोल बिल्कुल सलाह के तौर पर उसने मुझसे पूछा कि हम केस करा दें, कि अब नेता सब दबाव बना रहे हैं। तो मैंने एक परिवार के एक बहुत ही कहना चाहिए कि एक संवेदना की तरह जो कि अपने बच्चे को कोई समझाता है, मैंने एक बहुत प्रैक्टिकल ऐसी बात कही थी जिसमें मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। ये मैंने कहा था कि भाई आप इसको करने से होगा कि अपन जानते हैं कि बहुत लंबी प्रक्रिया होती है उस पर और आदमी कितने साल लग जाते हैं, इतना खर्चा हो जाता है और नेचुरल है वकील कोई फ्री में कोई करेगा नहीं। मेरा वकीलों से भी कोई मतलब नहीं था, कोई फ्री में कोई करेगा नहीं, जो काम करता था वो पैसा लेगा ही नहीं। एक मैंने उसके परिवार के सदस्य के नाते सलाह दी थी कि आप करोगे, वकील करोगे, उसमें भी बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे और परिणाम इतने लेट आएगा। हम तो तुमको, मैं चुपचाप आके तुम्हारी हर तरह से मदद कर रही हूँ, मैं कह के आई हूँ कि मैं मदद करूँगी, क्योंकि मुझके जब मैं गई थी तो उनकी जो मदर है बच्चे की, उसने बहुत रो के हाल बुरा था कि मेरे ये सारे नेता आए थे, सब नेता ये ऐसे करके चले गए। लेकिन जिस वक्त मेरे बच्चे का दाह संस्कार होने वाला था उस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं था, 10 आदमी थे। सिर्फ उसने मुझसे ये कहा, मेरे पास उसकी पूरी रिकॉर्ड है, पूरा जो वीडियो बनी है, मेरे साथ मीडिया गया था और बहुत रो रही थी वो। मैंने उसको गले लगाया, उस वक्त कोई भी नहीं था घर में। मैंने कहा कि मैं हूँ, ये मेरी संवेदना थी कि मैं हूँ, आप क्यों चिंता करते हो। मैंने कहा मुझे बड़ी बहन मानो आप, मैं आपके पूरी परिवार की जिम्मेदारी लेती हूँ। ये सारे शब्द मेरे रिकॉर्ड में है, ये सारे सारे। मैंने कहा मैं आपकी मदद करूँगी, नगर निगम से जो भी होगा। और आपके बच्चे की डेथ हुई है, उसका तो कोई मतलब, उसकी तो कोई पूर्ति किसी तरह से हो ही नहीं सकती। ईश्वर ने जो किया है उसका तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो है वो, अब जो सामना जिसको करना है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। तो मैं हर तरह से आपके परिवार की मदद करने के लिए तैयार हूँ, और यही मैं उसको कह के आ गई थी। उसके बाद में उस आदमी ने फ़ोन किया मुझे परिवार के बन के। किस आदमी ने किया? क्या नाम है उसका? जयप्रकाश। मैं उसको नहीं जानती कौन है। उसने मुझसे सबसे बड़ी, मैं अब भी उस पर FIR दर्ज कराऊंगी। मुझे एक परिवार के सदस्य के नाते, अगर मुझे कोई और कहता तो मैं शायद ये बात नहीं करती, लेकिन एक परिवार के सिंपैथी के मैंने नाते उसको फ़ोन किया और उसने उसको वायरल किया, अनुचित फ़ायदा उठाया। उस महिला को जो उसकी सहायता करने के लिए, उसको बर्बादी के कगार पर ला दिया है। आज 2 दिन बाद देखना आप। जयप्रकाश ने सुनने में आ रहा है पहले भी नगर निगम ने FIR कर रखी है। बिल्कुल, नगर जयप्रकाश एक आदतन अपराधी है। वो लोगों के फ़ोन टेप करता है और ठगी और उन पर से जाके अवैध वसूली करता है। हमारी कमिश्नर आभा बेनीवाल ने उसकी रिपोर्ट दिखा। आभा बेनीवाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा रखी है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। एक ऐसा आदमी उन लेडी को लेके फर्स्ट इंडिया चैनल पर गया है और वो वहाँ जाके ये सारी बातें कर रहा है। मुझे बहुत ताज्जुब की बात है कि एक ऐसे आदमी की बात सुनी जा रही है। और मैं बार बार जो दिखा रही हूँ कि इस आदमी के, ये देख लीजिए ये। तो दर्शकों, आप लगातार देख सकते हैं, यह वह लेटर है जिसमें जयप्रकाश पहले से भी ही ब्लैकमेलिंग कर चुका है। आप देख सकते हैं फल सब्जी वालों ने ये मामला दर्ज कराया है, जिसमें फल सब्जी वालों ने परेशान होकर कार्रवाई के लिए ज्ञापन दिया है। और आभा बेनीवाल जो कमिश्नर थी मानसरोवर जोन की, उन्होंने शिप्रापत थाने में ये मामला दर्ज कराया। आपको बता दें कि मानसरोवर में जो करंट लगने से एक नाबालिग बच्चे की मौत हुई थी, उसको लेकर लगातार जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर शील धाभाई संवेदनशील दिखाई दे रही थी, परिजनों से मिली हुई थी। विधायक अशोक लाहौटी, उपमहापौर पुनीत कर्नावत और सभी लोग उस सिलसिले में मिले हुए थे। लेकिन जब उन्हें परिवार को एक आर्थिक सहयोग दिया, 2 लाख की राशि दी गई, वो शायद परिवार को रास नहीं आई। तभी एक जयप्रकाश नाम के युवक का मेयर के पास फ़ोन आता है और फ़ोन में संगीन बातें रिकॉर्ड की जाती है, जिनमें यह कहा है कि मेयर की तरफ से कहलवाया गया है वकील, पुलिस और पत्रकारों के पास नहीं जाएं। मेयर का ये कहना है कि मेरा ऐसा कोई किसी की मानवता को ठेस पहुँचाना नहीं था, मैंने सिर्फ एक राय दी थी कि हम हर संभव परिवार की मदद के लिए तैयार है, हम परिवार के साथ हैं, आप कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करें। जब आपको न्याय नहीं मिल रहा तो कानून के पास जाएं। जब पूरा तरह से हमारी तरफ से न्याय मिल रहा है तो फिर कानून की ज़रूरत कहाँ है। वाकई लोकतंत्र में ऐसा ही होना है। लेकिन जब जयप्रकाश ने इस ऑडियो को वायरल किया तो मरुधर बुलेटिन इसकी सच्चाई बताता है। जयप्रकाश कौन है? श्रीमान थानाधिकारी शिप्रापत मानसरोवर, फल सब्जी वालों को परेशान करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के बाबत ये लेटर लिख रही हैं आभा बेनीवाल, जो कि मानसरोवर जोन की कमिश्नर थी। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि जयपुर महानगर स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन के प्रार्थना पत्र, मानसरोवर में ये लगातार फल सब्जी वालों की रिकॉर्डिंग करता है और उसे वायरल करता है। ये आरोप इन पर पहले भी लग चुके हैं। बार बार जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जयप्रकाश वही युवक है जो पहले फल सब्जी ठेले वालों को ब्लैकमेल करता था, अब महापौर की रिकॉर्डिंग करता है। मरुधर बुलेटिन ने इसको बेनकाब कर दिया है। मैम, लेकिन दूसरा सवाल आप पर भी खड़ा होता है। एक निजी कंपनी का चेक था, निजी कंपनी की लापरवाही, मेरा पूरा सवाल सुनिए, निजी कंपनी की लापरवाही थी, आप मानते हैं? मानते हैं। टेप नहीं लगाया, टेप नहीं लगाया, नंगे तार थे, उसी वजह से करंट डूबा। लेकिन जिसने लापरवाही की उसी का चेक, जिसके परिवार का सदस्य गया है उसी को मिला है। आपके लिफाफे के अंदर एक विधायक महोदय की उपस्थिति है। नहीं, देखिए कि ये हमारा ये प्रावधान है कि अगर कोई कंपनी गलत काम करती है उसकी पेनल्टी कटती है। हमने उसको सस्पेंड कर दिया, उस कंपनी को सस्पेंड कर दिया और वो क्या करें, ब्लैक लिस्ट कर दिया। और जो कर्मचारी थे उनको हमने सस्पेंड कर दिया। ये हमारा, क्योंकि नगर निगम डायरेक्ट कोई भी पैसा नहीं दे सकता, ऐसा हमारे विधायक दे सकते हैं। नहीं, विधायक भी ऐसा अपने पर्सनल दे सकते हैं, ऐसा उनका भी कुछ भी नहीं है। ये तो या तो राज्य सरकार करेगी, उसको अधिकार है, नगर निगम का हम चेक नहीं दे सकते थे क्योंकि उस हमारे में प्रावधान है कि जिस कंपनी ने कोई नुकसान हुआ है तो उसकी पेनल्टी कटेगी। तो जो पेनल्टी कटी उसी के तहत, और उसकी मानवता, उसने भी ये विचार व्यक्त किए थे कि भाई हमारे कर्मचारियों से गलती हुई है, हम मान रहे हैं इसको। तो एक 2 लाख बच्चे की कोई कीमत हो ही नहीं सकती, अनमोल है वो बच्चा, लेकिन एक बहुत सहयोग के एक मतलब कहना चाहिए सद्भावना के तहत, उनकी भी यही सद्भावना थी। और देखो इंटेंशनली कोई उनकी भी नहीं होगी कि हम लापरवाही कर जाएं, ये हो जाती है, ये मानवीय गलती होती है, उसकी सजा वो भुगत रहे। मैंने ऐसा बिल्कुल, लेकिन पेनल्टी जो आपको नगर निगम को मिली थी, आज आपने उस चेक को फाड़ दिया है। नहीं तो वो चेक उनको चाहिए नहीं ना, वो बोले कि इस कंपनी का चेक लें, फिर किस काम का, फिर वो क्यों कह रहे हैं कि हमें चेक चाहिए? अगर मैंने फाड़ दिया, क्या गलत किया? उनको चाहिए नहीं, हमें नहीं चाहिए तो उस चेक का क्या करते? नहीं, आप ये सोचिए, मुझे आप जवाब दीजिए कि वो उस चेक को नहीं लेना चाहती इस कंपनी। पेनल्टी तो सुनो, कंपनी की नगर निगम को मिलनी चाहिए थी ना, आप अपने पास रखते नहीं तो वो तो बाद में ले लेंगे, हमें चेक का क्या करना है? अगर कंपनी को रिफंड करते नहीं, क्यों करते? लिया थोड़ी है, पैसा थोड़ी लिया है, उसका पैसा तो कटा नहीं है ना, उसका पैसे थोड़ी कट गए, जो चेक फटने से क्या फर्क पड़ा? पैसा उनके पास है, जब उसका कंपनी का एक रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड से वो चेक कटा भी है और आपने डिस्ट्रॉय भी कर दिया। नहीं, कटने से क्या मतलब, पैसे तो ट्रांसफर नहीं हुए ना, कंपनी ऑब्जेक्शन नहीं करेगी उस पर। किस बात का? आपके पैसे थोड़ी कटे हैं, अगर पैसे कटते और जब चेक फटता तो था कि भाई पैसे हमारे ट्रांसफ़र हो गए, तब हो सकता था, लेकिन पैसे तो लेन देन ट्रांजेक्शन तो हुआ ही नहीं है ना। अब जब पेमेंट होगा तब कट जाएगा, जब कंपनी को पेमेंट होगा, कब होता है, क्या होता है, तो वो तो पेनल्टी वसूल लेगा, करेगा अपनी जो भी कार्रवाई है वो कर लेगा। अगर पेनल्टी प्रावधान है तो वो लेगा ही लेगा। तो मैंने कहाँ गलत किया? जिस लेडी को नहीं चाहिए, ठीक है, मैंने हाथ जोड़ लिए, मैंने कि मेरी गलती थी, मेरी संवेदना है, मैं आपको व्यक्त करने गई, मैंने आपको गले लगाया, आपके आंसू पहुँचे, ये मानवता को तार तार करने वाली बात हो गई ना। एक संवेदना को, मेरी संवेदना को तो तार तार करने वाली बात हो गई। नगर निगम कोई नौकरी नहीं दे सकता, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नगर निगम को कोई बिना बात के किसी को, बहुत आवश्यकता है, डेयरी भी नहीं अगर मांगे तो बात अलग है, नगर निगम इसको ये भी नहीं कहेगा कि आप ये पालन आहार योजना के तहत उनको कीजिए। ये तो मैंने अपने पर्सनल एज ए लेडी एक दुख दर्द समझते हुए मैंने उसको नौकरी की बात की। मैंने नगर निगम में उसको नौकरी नहीं लगा रही, मैंने कहा कि आपको मानसरोवर में मैं अपने लेवल पर के कहीं और, वो भी इतना हल्का काम कि इसको कोई 15-20 हज़ार रुपये मिल जाए और किसी तरह किस परिवार को परेशानी ना हो। तुरंत मैंने तो कहा 12 दिन बाद ही मैं तुमको यहाँ पर तुम ज्वाइन कर लेना, ये मेरी गलती थी। मैं आज उसको बुलाया था पालनहार योजना में उसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ये भी मेरी गलती थी, मैं मानती हूँ। एक मानव तो मेरे साथ ये रही जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर शील धाभाई, जिन्होंने माँ की ममता जो होती है वो दिखाई थी, क्योंकि शील धाभाई भी एक माँ हैं और हर माँ के एक ममता होती है। इस माँ ने ममता दिखाई, संवेदना दिखाई कि किसी भी तरह से उस परिवार का जो बच्चा है 17 साल का, वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन परिवार का सहारा कुछ इससे लग जाए। कंपनी पर कार्रवाई की, कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया, साथ में कंपनी में जो कर्मचारी थे उन्हें सस्पेंड भी किया, उस पर पेनल्टी भी लगाई, 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई और 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उस परिवार को दी, लेकिन परिवार को रास नहीं आई। परिवार को रोजगार देने की भी बात की, 12वां होते ही परिवार को रोजगार मिलेगा, पालनहार योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन ये चीज़ भी उन्हें रास नहीं आई। जब उन्होंने एक जयप्रकाश नाम के युवक से फ़ोन कराया तो फ़ोन में सामने आया कि जयप्रकाश ऑलरेडी एक ब्लैकमेलर है और हमें ब्लैकमेलर का शिकार किया जाए, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग का चेहरा ब्लैकमेल होने से पहले महापौर ने मरुधर बुलेटिन के माध्यम से बेनकाब कर दिया है। आपको बता दें कि ऐसी घटनाएं जयपुर में होती रहती है, आए दिन 384 के मामले दर्ज होते हैं, लेकिन मरुधर बुलेटिन इसकी पुष्टि नहीं करता है। मैं आपको एक बार फिर बता दूँ कि महापौर ने साफ शब्दों में कहा है कि मेरी ऐसी कोई किसी को संवेदना पहुँचाने का उद्देश्य नहीं था, मीडिया, पुलिस और वकीलों की हम इज्जत करते हैं, ये मरुधर बुलेटिन के माध्यम से आज शील धाभाई ने कहा है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि लगातार आपको जो वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, जो फोटो दिखाए जा रहे हैं, निजी न्यूज़ चैनल पर दिखाए जा रहे हैं, उन पर भी आज जो शील धाभाई है उन्होंने मरुधर बुलेटिन के माध्यम से साफ शब्दों में कह दिया है कि हमने सिर्फ और सिर्फ परिवार के प्रति संवेदना दिखाई थी। हालांकि नगर निगम को कोई अधिकार नहीं है, लेकिन एक माँ की ममता होती है, परिवार की संवेदना होती है और हमारे एक दिल में दया का भाव होता है, उसे मंजूर कर रही है। मरुधर बुलेटिन ये वीडियो दिखा रहा है, आपको हर वीडियो चैनल में देखने को मिलेगा कि किस तरह वीडियो लेने को ये परिवार तैयार है। लेकिन इसको आपको लाइव प्रसारित किया जाएगा, आप लगातार देखते रहें मरुधर बुलेटिन जयपुर। मेरी सहायता जब उनको चाहिए नहीं था फिर क्या मतलब है? आपने जब मैं संवेदनाएं को आपने जिस तरह से वायरल करके जिस तरह से मुझे कर करके इन्होंने किया है तो क्या मतलब है? क्या उम्मीद करें मुझसे वो? ये एक महिला है, एक महिला ने एक दूसरी महिलाओं के संवेदनाओं को चीर चीर किया है। आज अगर उनको नहीं स्वीकार था तो वो चुपचाप आके मेरे से कह सकती थी ना कि आपकी तीनों चीज़ें हमें मंजूर हैं बाकी, लेकिन मैं चेक नहीं लूँगी। ये इस तरह से वीडियो वायरल करके, लेकिन वीडियो में तो उन्होंने खुशीपूर्वक चेक लिया है, अब चेक लेने के लिए मना कर रहे हैं। हाँ देख लीजिए, सम्मान पूरा चेक लिया है। नहीं अगर चलो बाद वो कहेंगी कि भाई हमने पता नहीं था, उसने कोई बात नहीं, तो मुझसे प्रेम से आके कहती ना कि मैडम हमें ये नहीं चाहिए कि ये चेक हम नहीं लेंगे, हमें आप दूसरे पैसे दे दो। इतना क्या मतलब था? क्या चाहती है मुझसे? मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है उस आदमी के साथ में जो महा ब्लैकमेलर है, उसके साथ ब्लैकमेल करना चाहती हैं। ये बात सुलझ, क्या आप इसका क्या मतलब निकालते हैं कि परिवार बन के मेरा वीडियो बना के फिर आप वायरल कर रहे हैं? मतलब वही बात होगी ना, चैनल पर चले मैं ब्लैकमेल हो जाऊँगी, नेवर। तो ये मेरे साथ हैं दूसरी बार महापौर रही, ये आखिरकार ब्लैकमेल कैसे हो सकती हैं जो जयपुर की प्रथम नागरिक हैं। और 2001 में जब जो ब्लैकमेलर हैं, जो जयपुर की ABCD नहीं जानते थे, उस समय जो ब्लैकमेलर करने वाला है वो आज इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है।